जय हिंद। नमस्कार। बरेली सेना भर्ती कार्यालय की ओर से फरुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में 19 अगस्त से अग्निवीरों के लिए सेना भर्ती रैली शुरू हो चुकी है। भर्ती के पहले दिन शुक्रवार को फरुखाबाद जिले की 3 तहसील अमृतपुर, फतेहगढ़ और कायमगंज तहसील के युवाओं ने 1600 मीटर दौड़ में जोर आजमाइश की। भर्ती में शामिल होने के लिए इन 3 तहसीलों से कुल 4500 युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। इन युवाओं में से कुछ युवा भर्ती में शामिल होने ही नहीं पहुंचे तो करीब 628 युवा दौड़ से पहले ही प्री हाइट मेजरमेंट में बाहर हो गए, जबकि कुछ युवाओं को दस्तावेजों में कमी के चलते भी बाहर होना पड़ा। इससे पहले इन सभी युवाओं को रात्रि 12 बजे से प्रवेश दिया गया और सुबह 6 बजे इनकी दौड़ शुरू हुई। भर्ती के दूसरे दिन भी फरुखाबाद जिले की फरुखाबाद तहसील के युवाओं की ही दौड़ होगी। सेना भर्ती के पहले दिन कुछ युवाओं को उनकी गलती के चलते ही उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल बार बार जानकारी देने के बाद भी कुछ युवा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर नहीं पहुंचे। ऐसे में इन युवाओं का हाइट मेजरमेंट होने के बाद जब ये भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए पहुंचे तो वहां पर इन युवाओं को रोक लिया गया क्योंकि इनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं थे। इसके बाद इन युवाओं को कहा गया कि वो फोन करके अपने परिचितों से समय पर अपने डॉक्यूमेंट मंगा लें। इस दौरान सेना के जवान और पुलिसकर्मी भी इन युवाओं का सहयोग करते दिखे। पुलिसकर्मियों ने अपने फोन से इन युवाओं को उनके परिचितों से बात कराते हुए उनके दस्तावेज उन तक पहुंचाने में सहयोग किया। इधर सेना भर्ती कार्यालय की ओर से अब ऐसे युवाओं को सख्त हिदायत दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने पहुंच रहे हैं जो वो अपने दस्तावेज अपने साथ रखें। अगर वो अपने दस्तावेज ओरिजिनल साथ लेकर नहीं पहुंचते हैं तो फिर ऐसे युवाओं को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और इसके लिए वो अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अग्निवीरों के लिए शुक्रवार से शुरू हुई सेना भर्ती के पहले दिन कुछ युवा एंट्री के लिए निर्धारित समय के बाद सेना भर्ती में शामिल होने पहुंचे, जिस पर पहले दिन तो ऐसे युवाओं को एंट्री दे दी गई, लेकिन अब सेना भर्ती कार्यालय की ओर से ऐसे युवाओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो एंट्री के लिए निर्धारित तय समय के बाद अगर भर्ती स्थल पहुंचेंगे तो फिर ऐसे युवाओं को भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी युवा इस बात का बेहद ख्याल रखें कि अगर आप भर्ती में शामिल होने के लिए जा रहे हैं तो जो एंट्री के लिए आपको निर्धारित समय दिया गया है आप उस समय पर भर्ती स्थल जरूर पहुंचें, नहीं तो देरी के चलते आप सेना भर्ती से बाहर हो जाएंगे और फिर आपकी सालों की मेहनत बेकार जाएगी। इधर भर्ती के दौरान फतेहगढ़ फरुखाबाद मार्ग पर युवाओं की भीड़ लगी रही, इसके बाद भी ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं किया गया। इस बीच करीब सुबह 7 बजे डीएम संजय कुमार सिंह और एसपी अशोक कुमार मीणा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भर्ती स्थल पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं होने को लेकर टीएसआई को फटकार लगाई। इसके बाद मुख्य मार्ग के ट्रैफिक को JNV रोड की ओर डाइवर्ट किया गया, जिससे वाहन चालकों और आमजन को राहत मिल सके। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।